पुरानी बात है। महातपा नाम के एक ऋषि थे। कठोर तपस्या से पाई दिव्य शक्ति पर उन्हें बहुत घमंड था। एक बार जब ऋषि गहन तपस्या में लीन बैठे थे, तब ऋषि से अनजान एक बगुली ने बीट कर दी, जो ऋषि पर जा गिरी। ऋषि का ध्यान भंग हुआ। ऋषि ने क्रोध से ऊपर देखा। हे दुष्ट बगुलों, तुमने मेरी तपस्या भंग की। तुम्हारा ये दुस्साहस, अब महातपा को क्रोधित करने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। पेड़ पर बैठे दूसरे पक्षी भी ये घटना देखकर उड़ गए। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद अब महातपा का क्रोध शांत हो चुका था। वो फिर से तपस्या में लीन हो गए। अगले दिन ऋषि महातपा भिक्षा लेने के लिए जंगल के पास वाले गांव की ओर चल दिए। भिक्षान्न देहि, भिक्षान्न देहि। माता, भिक्षा दे माता। एक स्त्री घर से बाहर आई और बोली, प्रणाम ऋषिवर, मेरा नाम देवी है। आप तनिक प्रतीक्षा करें, मैं अभी घर के कामों में व्यस्त हूँ। कुछ समय पश्चात मैं आपको अवश्य भोजन करवाऊंगी। क्या? ये कहकर स्त्री वापस घर में चली जाती है। महातपा को किसी से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। उन्हें ये अपना अपमान लगा। वे मन ही मन बहुत क्रोधित हो गए। मूर्ख स्त्री, मूर्ख, हमें प्रसन्न करके मन चाहा वरदान पा सकती थी, लेकिन इस स्त्री ने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। हमें इसे हमारी दिव्य शक्ति का पता नहीं। अब ये हमारे क्रोध से नहीं बच सकती। हम यहीं खड़े रहकर इसकी प्रतीक्षा करते हैं। देवी अपने घर का सारा काम निपटाकर वापस बाहर आई। लीजिए ऋषिवर, भोजन कीजिए। मूर्ख स्त्री, तूने हमें प्रतीक्षा करवाई। तुझे हमारे तपोबल का कुछ अनुमान है? तुझे पता है तुझे कि हम कौन हैं? मुनिवर महातपा, आपको कौन नहीं जानता। अरे लीजिए, मैंने आपके झोले में भिक्षा डाल दी है। रही बात आपकी शक्ति की, तो मुनिवर, मैं कोई असहाय जंगल की बगुली नहीं जिसे आप डरा सकें या भस्म कर सकें। देवी। और मुनिवर, मैंने तो सुना है भिक्षुक बहुत कोमल हृदय के होते हैं, किंतु देवी, ये घटना तो जंगल में हुई थी, तुम्हें कैसे पता चला? ये तो धर्म व्याध ही बता सकते हैं। धर्म व्याध? जी मुनिवर, धर्म व्याध। वो गांव के बाजार में अपनी दुकान में मिलेंगे। दुकान में? जी ऋषिवर, वो बहुत ही भले और कोमल हृदय हैं। आप उनसे मिलकर अवश्य प्रसन्न होंगे। अच्छा, हाँ, हम अवश्य ही धर्म व्याध से मिलेंगे। जी, प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मती भव, आयुष्मती भव। ऋषि धर्म व्याध से मिलने गांव के बाजार गए
तो पता चला धर्मव्याध एक मांस बेचने वाला व्यापारी है। क्या धर्मव्याध मांस विक्रेता और उसमें दिव्य शक्ति, इसे कैसे पता चला कि हमने जंगल में बगुलों को भस्म किया है? धर्मव्याध से ही पूछते हैं। अरे ऋषिवर, आप यहां? बस एक जिज्ञासा यहां खींच लाई। कहिए मुनिवर महातपा। तुम्हें कैसे पता चला कि हम ही महातपा हैं? मुनिवर, मुझे तो ये भी पता है कि आपने अपनी क्रोध दृष्टि से दो बगुलों को भस्म कर दिया था। अरे समझ गया मुनिवर, आपको देवी ने यहां भेजा है। देवी, धर्मव्याध प्रणाम। अब ऋषि को एकाएक ये समझ आ गया कि पूरी ईमानदारी और लगन से अपना काम करने वालों का सामान्य ज्ञान किसी एकांतवासी ऋषि से ज्यादा अच्छा होता है। ऋषि जान गए कि ऐसे कर्मशील लोगों को आसपास होने वाली घटनाओं का पूरा ज्ञान होता है। ऋषि को कर्म और ज्ञान का संबंध समझ आ गया, ज्ञान की शक्ति का अनुमान भी हो गया। वे धर्मव्याध से बोले, प्रणाम धर्मव्याध प्रणाम। सच्चे तपस्वी तो तुम हो, तुम। क्या कहते हैं मुनिवर, कहां मैं और कहां आप? मैं सत्य कह रहा हूं धर्मव्याध, मैं स्वयं को दिव्य शक्ति का स्वामी समझता था, लेकिन आज मैंने जाना तुम्हारे और देवी जैसे लोग ही वास्तविक सिद्धि के स्वामी हैं। मुनिवर, कर्म करने वाला सबसे बड़ा होता है, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म योगी श्रेष्ठ है। आज मुझे सच्चा ज्ञान मिला, कर्म ही तपस्या है धर्मव्याध। कर्म योगी को चारों दिशाओं का ज्ञान होता है, और तुम ही हो मेरे सच्चे गुरु, मेरे सच्चे गुरु। प्रणाम गुरुवर। मुनिवर, प्रणाम प्रणाम। इस तरह सच्चा ज्ञान पाकर और घमंड त्याग कर महातपा मुनि वापस जंगल की ओर चले गए। Thank you.